डोमिनिका की जेल में बंद पीएनबी घोटाले के आरोपी और भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चौकसी की जेल से पहली तस्वीर सामने आई है। आज तक को मिली इस तस्वीर में हाथ पर कथित चोट के निशान दिखाई दे रहे हैं। तस्वीर में मेहुल सलाखों के पीछे स्काई कलर की टी शर्ट में दिख रहा है। उसकी एक आंख में चोट के निशान दिख रहे हैं, उसकी आंख लाल है। दूसरी तरफ में हाथ पर चोट के निशान दिख रहे हैं जो काले रंग के हैं और कलाई के पास है। भारत में मेहुल चौकसी के वकील विजय अग्रवाल ने दावा किया था कि उनके क्लाइंट के साथ कथित तौर पर मारपीट की गई है। कहा था कि मेहुल चौकसी को एंटीगुआ से जबरन अगवा किया गया, उन्हें पीटा गया और उन्हें डोमिनिका ले जाया गया। कथित तौर पर उनके साथ टॉर्चर किए जाने का आरोप लगाया था। हालांकि एंटीगुआ और बारबुडा के पुलिस चीफ एटली रॉडनी ने मेहुल को अगवा करने वाली बात को खारिज किया है। कहा कि हमारे पास ना तो इस बात की जानकारी है, ना ही ऐसे कोई संकेत हैं कि चौकसी को एंटीगुआ से जबरन ले जाया गया था। चौकसी के एंटीगुआ से डोमिनिका या फिर और कहीं ले जाने की गतिविधि में हमारी कोई संलिप्तता नहीं है। वहीं मेहुल के वकील ने कहा था, जब तक पता नहीं चलता कि वो डोमिनिका कैसे पहुंचे तब तक कोई भी कयास नहीं लगाने चाहिए, लेकिन मेरी समझ कहती है कि वो अपनी मर्जी से डोमिनिका नहीं पहुंचे हैं, इसलिए मुझे इसमें गड़बड़ दिख रही है। कोई इस बात को नहीं देख रहा है कि आखिर वो डोमिनिका कैसे पहुंचे। वकील विजय अग्रवाल ने कहा था, मेरे क्लाइंट एक इंसान है, कोई मोहरा नहीं है कि उन्हें कोई भी अपनी मर्जी से शतरंज के खेल की तरह घुमाता रहे। मेरा स्टैंड सही साबित हुआ है। मैं एंटीगुआ की यूनाइटेड प्रोग्रेसिव पार्टी के बयान की प्रशंसा करता हूँ कि एंटीगुआ को अपने हर नागरिक के अधिकारों की रक्षा करनी चाहिए। मेरे क्लाइंट मेहुल चौकसी एंटीगुआ के नागरिक हैं और एंटीगुआ के संविधान के तहत सभी कानून संरक्षण के हकदार भी हैं। वहीं मेहुल चौकसी का प्रत्यर्पण एंटीगुआ में सियासी मुद्दा बन गया। एंटीगुआ में विपक्ष के नेता ने कहा है कि चौकसी एंटीगुआ का नागरिक है और उसके नागरिक को किसी दूसरे देश को सौंपा नहीं जा सकता है। चौकसी की गिरफ्तारी के बाद एंटीगुआ के पीएम ने कहा था कि डोमिनिका मेहुल चौकसी को सीधे भारत को सौंप दे। मामला कोर्ट में है। इंडिया टुडे की गीता मोहन की एक रिपोर्ट के मुताबिक पीएनबी घोटाले का आरोपी और भगोड़ा हीरा कारोबारी 26 मई को क्यूबा भागते वक्त डोमिनिका में पकड़ा गया था। इसके बाद एंटीगुआ और बारबुडा के प्रधानमंत्री गेस्टन ब्राउन ने डोमिनिका की सरकार से मेहुल चौकसी को सीधे भारत को सौंपने का अनुरोध किया था। हालांकि डोमिनिका की सरकार कह चुकी है कि मेहुल चौकसी को एंटीगुआ को ही सौंपा जाएगा। मेहुल चौकसी पर एंटीगुआ सरकार के रवैये से वहां का विपक्ष नाराज है। विपक्षी पार्टी यूनाइटेड प्रोग्रेसिव पार्टी के नेता हेराल्ड लवेल का कहना है कि एंटीगुआ के कानून के मुताबिक उसके नागरिक को किसी दूसरे देश को सौंपा नहीं जा सकता। हेराल्ड लवेल ने कहा, मेहुल चौकसी को एंटीगुआ और बारबुडा लौटना होगा। हालांकि हम मेहुल चौकसी के पक्ष में नहीं है, लेकिन वो एंटीगुआ का नागरिक है और इस नाते उनके भी कुछ अधिकार हैं। यहाँ उनके खिलाफ कई केस दर्ज हैं और उन पर मुकदमा चलाया जाना चाहिए। इसके बाद ही उनके प्रत्यर्पण पर फैसला किया जाएगा। हेराल्ड लवेल ने चौकसी के अपहरण की आशंका भी जताई और सरकार पर मिलीभगत का आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा, वो बोट से नहीं जा सकते और अगर गए भी तो सिर्फ उन्हें अकेले ही क्यों गिरफ्तार किया गया? जहाज के कैप्टन और बाकी लोगों का क्या हुआ? किसी और को गिरफ्तार कैसे नहीं किया गया? ग्रिस्टन ब्राउन ने एक लोकल एफएम रेडियो को ये बताया कि भारत से एक विमान डोमिनिका आया है जिसमें भारतीय अदालत के दस्तावेज मौजूद थे जो इस बात की तस्दीक करते हैं कि चौकसी भगोड़ा है। भारत से फरार होने के बाद मेहुल चौकसी ने एंटीगुआ की नागरिकता ले ली थी, लेकिन सीबीआई उसके पीछे पड़ी हुई थी। भारत सरकार लगातार एंटीगुआ पर मेहुल को सौंपने का दबाव बना रही थी। इसके चलते अंदाजा था कि मेहुल एंटीगुआ छोड़ सकता है। मेहुल चौकसी एंटीगुआ स्थित अपने घर से 23 मई की शाम को गायब हो गया था। उसके लापता होने की रिपोर्ट भी दर्ज कराई गई थी, लेकिन 26 मई को उसे डोमिनिका में पकड़ लिया गया। उसके लापता होने की रिपोर्ट भी दर्ज कराई गई थी, लेकिन 26 मई को उसे डोमिनिका में पकड़ लिया गया। डोमिनिका भी एंटीगुआ की तरह वेस्ट इंडीज के द्वीप समूहों में से एक है। आपके लिए खबर लिखी थी हमारे साथी डेविड ने। शुक्रिया।